Today we are going to start our JavaScript journey. So this is my newly created folder right here, and मैं यहाँ पे index.html फाइल बनाऊँगा और यहाँ पे हम अपनी JavaScript का पहला कोड लिखेंगे. तो चलिए बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं, इसको मैं सही कर लेता हूँ html, एंड यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि पहला JavaScript कोड हमारा कैसा लिखा जाएगा. सो सपोज़ दैट मैं इसको गो लाइव पे करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को आपकी रन हो जाती है आपके ब्राउज़र में. तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट कोड लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 में मैं टाइप कर देता हूँ लेट से दिस इज माई जावास्क्रिप्ट फर्स्ट ट्यूटोरियल. अब यहाँ पे आप देखिएगा जब मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा तो यहाँ पे ये कंसोल में आ जाएगा. यहाँ पे क्लिक करूँगा और आप यहाँ पे देख लीजिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है. अब ये क्या है कि जावास्क्रिप्ट कोड हम जब हम के इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर ही लिखते हैं तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं. ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आपको जावास्क्रिप्ट कोड लिखना पड़ेगा, बट हम बाद में इसको एक्सटर्नली अटैच करेंगे. सो आप यहाँ से भी कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग को आप डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि दिस इज माई फर्स्ट FIRST स्ट्रिंग, ये आपकी पहली स्ट्रिंग हो गई. तो आपने यहाँ पे आपको इनको दोनों को कोट्स में डालना पड़ेगा अदरवाइज ये काम नहीं करेंगी. तो ये मेरी पहली स्ट्रिंग है और यहाँ पे देख लीजिए दिस इज़ माई फर्स्ट स्ट्रिंग इज़ कमिंग राइट हियर. ओके, और आप ये भी कर सकते हैं कि इसको इस जो भी आपने हेलो वर्ड लिखा इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. लेट्स से एक्स इक्वल टू हेलो वर्ल्ड और ये हमारा स्टोर हो गया वेरिएबल में. आप इस एक्स को अगर लॉक कर दें तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए. तो ऐसे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं. कंसोल आपके लिए जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए काम आता है. इसको आप मैथमेटिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 इंटू 10 विच इज़ 100, एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ. यहाँ पे आप स्ट्रिंग को लॉक कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट में एक्सटर्नल फाइल्स को कैसे इंक्लूड करेंगे. सबसे पहली चीज़ होती है कि मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ इस स्टाइल डॉट सी एस एस को ऐड करूँगा, जिसमें हम इंडेक्स फाइल की स्टाइलिंग करेंगे. ओके, तो लेट्स से स्टाइल डॉट सी एस एस, ये हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस हो गई है. सपोज़ दैट कि आपको मेरे पास H1 है और मैं H1 का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से 2 रैम कर दूँगा और कलर भी चेंज करना चाहता हूँ. मान लीजिए COLOR कलर चेंज करते हैं, एक्वा ले लेते हैं तो ये एक्वा कलर आ गया. अब सपोज़ दैट कि आपको एक जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी लिखनी है तो वो आप कैसे लिखेंगे. एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे आप आइए बॉडी के बाद और यहाँ पे आप लिंक में जे स्क्रिप्ट के सोर्स को ऐड कर दीजिए. अब यहाँ पे इस स्क्रिप्ट सोर्स में मैं कह दूँगा स्क्रिप्ट डॉट जे एस. हमेशा जावास्क्रिप्ट फाइल को डॉट जे एस एक्सटेंशन से सेव करना हो चाहिए, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगी. scripts.js. अब ये मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हो गई है और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये कनेक्टेड है. अभी ये क्रिएट नहीं हुई, अभी यहाँ पर क्रिएट हो गई है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये देख लेते हैं कि script.js है ना कि scripts है, तो ये वाली डिलीट कर देते हैं, इसको नहीं चाहिए हमारे को. और आप ये देख लीजिए अगर मैं वही कोड कंसोल डॉट लॉग, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ पूरा खाली है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड WORLD, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया है और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना है. मैंडेटरी नहीं है, वो तो अंडरस्टैंड कर लेता है जावास्क्रिप्ट इजी, बट आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं.